दोस्तों, सुशांत को गए 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर अभी तक सुशांत को न्याय नहीं मिल पाया है। हमें बार बार यही कहा जा रहा है कि जांच जारी है, सीबीआई अपनी जांच कर रही है, मगर हम जानना चाहते हैं कि आखिर सीबीआई ने अभी तक अपनी फाइंडिंग्स में क्या पाया है, किस एंगल से जांच हो रही है, हमें कुछ तो बताया जाए। शुरुआती 1 महीने में उन्होंने पूछताछ की, मगर पूछताछ के बाद क्या उन्हें स्टेटमेंट जारी नहीं करना चाहिए था? उन्हें क्या मिला? वो आगे की जांच किस एंगल में करेंगे? हमें कुछ तो बताया जाए। दोस्तों, हमें ऐसे में लगता है कि अगर वाकई सीबीआई जांच कर रही है तो उन्हें सबसे पहले सुशांत के घर पर रह रहे स्टाफ जैसे कि दीपेश, नीरज, केशव और पिठानी, इसके साथ साथ रिया और संदीप सिंह, इन 6 लोगों का नार्को टेस्ट करना ही चाहिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट करना चाहिए और ये टेस्ट लाइव करना चाहिए, जिससे कि हम सबको भी पता चल सके कि ये पापी क्या उगल रहे हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ, किसने किया, और ये हमारी ही ताकत है जिसकी बदौलत आज सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। तो इस केस में जनता का जानने का पूरा पूरा हक बनता है कि आखिर सुशांत की जांच में क्या सच बाहर आ रहा है। इसी बात को लेकर कुछ ही दिन पहले रवि तिवारी बिहारी ने भी कहा था कि सुशांत के घर पर रह रहे सभी लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, और हम कहना चाहते हैं कि इनका ये टेस्ट लाइव टेस्ट होना चाहिए, जिसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, ताकि हम सब भी देख सकें, सुन सकें कि ये लोग क्या कह रहे हैं। और ये हमारा हक है, क्योंकि खुलासे कई हो रहे हैं, बातें निकल कर आ रही हैं, मगर हम सच की तह तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये पापी ही सच उगल सकते हैं। बहुत हो गए खुलासे, बहुत हो गई बातें, अब हम सच सीधा इनके मुंह से सुनना चाहते हैं। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं दोस्तों, तो जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। साथ ही इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया भी शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।